सारण जिला राष्ट्रीय वैश्य महासभा की बैठक स्थानीय नूतन विवाह भवन में आहूत की गई, जिसमें कोविड प्रोटोकॉल के साथ सम्मानित सदस्यों ने भाग लिया तथा संगठन की एकता एवं आगामी नगर निगम के चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया गया, जिसमें सभी सम्मानित वैश्य नेताओं ने अपने अपने विचार प्रकट किए तथा उन्होंने निर्णय लिया कि एक कोर कमेटी बनाकर सर्वसम्मति से वैश्य समाज अपना प्रत्याशी उम्मीदवार मेयर और अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए लड़ाएगा। इसके साथ ही वार्ड पार्षद से भी हम अपने उम्मीदवार वहां से लड़ाएंगे। जिला राष्ट्रीय वैश्य महासभा के तत्वावधान में सारण जिला स्तर पर यह बैठक आहूत की गई है। सारण जिला में 56 जाति जो वैश्य समाज की है, उसको सबको संगठित किया जाए, एकत्रित किया जाए, जिससे सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतिबंध बनाया जाए। आपके परिचय नाम बताएं। मैं वीरेंद्र सामुखिया, अध्यक्ष सारण जिला राष्ट्रीय वैश्य महासभा चपरा। तो होता ही है कि यह संगठन बैक रूप से किसी भी वैश्य समाज को लड़ा कर करके उसको विजयी बनाना। यानी कि आपका कहना है कि इस बार मेयर के चुनाव में वैश्य समाज से कैंडिडेट रहेगा? बिल्कुल रहेगा। क्या नाम की भी घोषणा करेंगे? अभी नाम की जब चुनाव प्रपोजल आ जाएगा, आचार संहिता लागू हो जाएगी, जब नॉमिनेशन होगा उस समय सारण जिला राष्ट्रीय वैश्य महासभा पूरे केवल छपरा में ही नहीं, रिबिलगंज हुआ, दिघवारा हुआ, सोनपुर हुआ, मरावड़ा हुआ, परसा हुआ, सभी जगह हम लोग अपना प्रत्याशी देंगे और जिताने का भी प्रयास करेंगे।